संकल्प से सिद्धि, ये नए हिंदुस्तान का मंत्र है। 2 महीने पहले की बात है, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यहां कोई नाम भी नहीं जानता था। इसका उत्पादन तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ी बहुत जरूरत चीन से आयात करके पूरी कर ली जाती थी। दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई का उत्पादक देश है चीन। कोविड-19 के आने के बाद जब सारे समीकरण बदले तो भारत ने भी खुद को बदल लिया। ये हम भारतीयों का पुरुषार्थ ही है कि आज हमारा देश सिर्फ 2 महीनों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक बन गया है। दुनिया को कोरोना में परेशानी और मुसीबत और दर्द दिखाई दिया। ये कहानियां भारत में भी सुनी गईं, लेकिन भारत ने इस चुनौती को अपने लिए अवसर बना दिया। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ खुद के बचाव के लिए पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि आज कोरोना के मरीजों का इलाज सिर्फ पीपीई किट के उपलब्ध होने की वजह से ही हो पा रहा है। भारत ने इस जरूरत को समझा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसका उत्पादन शुरू कर दिया। आज भारत में हर रोज लाखों पीपीई का उत्पादन हो रहा है। हमारे घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रतिदिन तकरीबन 3 लाख पीपीई और 3 लाख ही N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने राज्यों को भी 65 लाख पीपीई और 100 लाख से ज्यादा N95 मास्क कोरोना से निपटने के लिए दिए हैं। सिर्फ बड़ी संख्या में उत्पादन ही नहीं हो रहा है, बल्कि क्वालिटी का भी ख्याल पूरे एहतियात के साथ रखा जा रहा है। देश की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसके लिए इस तरह के भी प्रावधान कर दिए हैं कि केवल प्रमाणित कंपनियां ही इसकी आपूर्ति करें। अब कपड़ा समिति मुंबई भी स्वास्थ्य कर्मचारियों और दूसरे कोरोना वॉरियर्स के लिए आवश्यक पीपीई का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। 6 साल पहले देश में ऐसी मिसालें कहां दिखाई देती थी। भारत का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक बनना ये इस बात का प्रमाण है कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ठान लिया है कि भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है, और इसी संकल्प के साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है।